बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नीला, आप लोग देख रहे हैं ब्यूटी क्वीन। तो आप लोगों का क्या बोलूँ, सब लोगों का एक ही क्वेश्चन आता है, चाहे वो लाइव में, चाहे वो मेरा वीडियोस में, और टेलीग्राम पर भी बहुत लोग पूछते हैं कि आप इतने सुंदर क्यों हो। तो उस चीज़ का आंसर लेके मैं आज हाजिर हो गई, ठीक है। लोगों का क्वेश्चन है वो, उसका आंसर मैं आज दे दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों का क्वेश्चन है कि मैं इतने सुंदर क्यों हूँ, सुंदर मैं कितना हूँ, कैसा हूँ, मुझे नहीं मालूम। जो भी है गॉड गिफ्टेड है। और एक चीज़ क्या यूज़ करती हूँ मैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसके वजह से एक स्किन का जो सेट होता है, एक सेट वो तो ब्राइट होगा एकदम गारंटी। मैं यूज़ करती हूँ, मुझे पता है, ठीक है। जब हम लोग स्कूल कॉलेज में था तब सांटेन तो होता था बहुत, तब से ही मैं यूज़ कर रही हूँ। और मेरा मुंह में ना पूरा का पूरा पिंपल्स एकदम भरे हुआ था, पूरा फोरहेड तो पूरा पूरा साल भर पिंपल्स में एकदम भरा हुआ था। तो चलो मैं दिखाती हूँ मैं क्या यूज़ करती हूँ उसके लिए, ठीक है। पहले जो पहला जो बात है, हम लोगों का जो स्किन है उसका उसके ऊपर ना एवरी डे डेड सेल्स होता है और न्यू सेल्स रीग्रोथ होता है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, वो जो डेड सेल्स होता है ऊपर के स्किन में वो एक्सफोलिएट करना चाहिए। इससे क्या होगा, अंदर जो न्यू सेल्स है वो एक ब्राइटनिंग स्किन देता है ना। जैसे पेड़ में जब पत्ता गिर जाते हैं उसके बाद नया पत्ता आ जाता है तो दिखने में कैसे चमक आता है ना, तो इस तरह से ही हम लोगों का जो ऊपर का स्किन का जो डेड सेल्स होता है वो एवरीडे रिमूव करना चाहिए। अगर एवरीडे टाइम नहीं मिलता तो वीक में एक और दो दिन तो करना ही चाहिए, एकदम मस्ट। तो इसके लिए एक पहले बोल देती हूँ, कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, आप लोग ये मत समझना कि मैं जो दिखा रही हूँ उसका मैं प्रमोशन कर रही हूँ, एकदम नहीं है। आप लोगों का जो क्वेरीज है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सिर्फ चाहे आप खुद यूज़ करो या अपना फैमिली जो आपका वाइफ्स है गर्लफ्रेंड्स है उसको भी आप बोल सकते हो कि हाँ ये ऐसे यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के। अगर ये आप लोगों को यूज़फुल लगे तो डेफिनेटली ट्राई करना, अगर ये बकवास लगे तो वीडियो को स्किप करना, ठीक है। तो ये है केयरसेट का ऑरेंज जेल स्क्रब। पहले तो ये नहीं मिलते थे, पहले मिलते थे केयरसेट का स्किन इरेजर, वॉलनट का एक फ्लेवर मिलता था, मैं वो ही यूज़ करती हूँ। बट रिसेंटली वो मार्केट से आउट हो गया, ये नया फॉर्म में मिला, ये जेल फॉर्म में है, ये देखो इस टाइप का जेल फॉर्म में है। इसके साथ ना वॉलनट का पार्टिकल्स दिया हुआ है, जिसके वजह से क्या होता है जब फेस में लगा के हम लोग मैसेज करते हैं तब बहुत अच्छे से वॉलनट्स का जो पार्टिकल्स होता है उससे बहुत अच्छे से स्क्रब होता है और डेड सेल्स एकदम रिमूव होके एकदम ब्राइटनिंग जो स्किन मिलता है, एकदम फ्लॉलेस स्किन होता है। तो ज़रूर ट्राई करना। और अगर किसी को लगता है कि मैं और भी मुझे फेयर होना है, देखो फेयर तो जितना आपका जब आपका जन्म हुआ उस दिन जब जैसा आप पैदा हुआ था ऐसे ही होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। हाँ थोड़ा सा स्किन हम लोग को जो हम लोग बाहर घूमते हैं इसकी वजह से सन टैन होता है, उसका जो 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 एक ड्राफ्टनेस आता है वो थोड़ा सा रिमूव हो जाएगा। तो उसके लिए ना ये भी केयरसेट का है, फेयरी पैक बोल के एक फेस पैक मिलता है, ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। वीक में दो या तीन दिन, अगर टाइम ना मिले तो एक दिन भी यूज़ कर सकते हैं। ये यूनिसेक्स दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई भी यूज़ कर सकते हो। या अगर आप लोगों के पास ये सब प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं, ये लोकल मार्केट में तो मिल जाते हैं, ऑनलाइन में भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए इस प्रोडक्ट्स को तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिंक शेयर कर दूँगी, बट ये मेरा प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, ठीक है।
तो इस पैक के साथ ना एक छोटा सा एसेंशियल ऑयल भी दिया जाता है, एक चम्मच के साथ 5 ड्रॉप्स मिलाकर उसको पैक बनाकर पूरा मुंह में लगा लो। जब पैक ड्राई हो जाता है तब तो हम लोग पानी से वॉश कर लेते हैं, उसके बाद कोई अच्छा सा टोनर और उसके साथ एक मॉइस्चराइजर लगाना तो एकदम तो बहुत जरूरी है। तो ऐसे अगर आप यूज़ करते हो ना तो स्किन टोन एकदम अच्छा रहेगा। जब आप बाहर निकलते हो, सन टैन होता है, पॉल्यूशन की वजह से स्किन में एक डार्कनेस आता है, वो ना पूरा का पूरा चल जाएगा एकदम से। तो मैं यही यूज़ करती हूँ। और फेस में देखो, फेस के जब मैं वीडियोस बनाती तब मैं कोई मेकअप नहीं यूज़ करती हूँ, ठीक है। वाइट टोन का जब फेस पाउडर मिलता है, ओनली इसका प्राइस है 65 रुपीज़, मैं यही यूज़ करती हूँ। और अगर कभी मन चाहा तो मैं कोई क्रीम यूज़ कर लेती हूँ, उसके अलावा मैं कोई जो फाउंडेशन कॉम्पैक्ट ये सब वगैरह एकदम यूज़ नहीं करती हूँ। जब मैं वो सब यूज़ करके वीडियोस बनाऊँगी तब आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि वो मेकअप का लुक कैसा होता है, ठीक है। वो तो हमारे पास है, क्योंकि जब कोई पार्टी ऑप्शन में जाते हैं तब तो हम लोग यूज़ करते हैं, बट एवरी डे जब मैं वीडियोस बनाती हूँ उसके लिए एकदम ही नहीं यूज़ करती, क्योंकि वो स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है हम लोगों का, क्योंकि उसकी वजह से स्किन में एक लेयर होता है, तो वो स्किन के लिए हेल्दी नहीं होता। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता एवरी डे मेकअप करना, क्योंकि मैं काम से जब भी मुझे फुर्सत मिलता है तभी मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो इतना मेकअप करके सर सर के वीडियोस बनाना नहीं होता मेरे से, क्योंकि टाइम नहीं मिलता एकदम से। तो यही यूज़ करती हूँ मैं। अगर आप लोगों को किसी को चाहिए ये प्रोडक्ट का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन जरूर शेयर कर दूंगी, आप लोग परचेस कर लेना। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह ही अवेलेबल है और प्राइस एकदम रिजनेबल है। जो ऑरेंज का स्क्रब मैंने दिखाया वो 250 रुपीज़ से 300 के आसपास ही मिल जाएगा, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। और ये जो फेयरी पैक है इसका प्राइस अभी कितना हुआ मुझे मालूम नहीं, बहुत दिन पहले खरीदा था बट मैं देखो यूज़ नहीं करती, इतना तक था, इतना तक अभी तक है, तो ज़्यादा नहीं यूज़ किया। तो इसका प्राइस 190 रुपीज़, 199 रुपीज़ है, तो ऐसे ही 200 और 250 में मिल जाएगा अगर इसका प्राइस इंक्रीज हुआ अभी तब। तो एकदम रिजनेबल प्राइस में ये प्रोडक्ट मुझे लगता है एकदम बेस्ट है, क्योंकि मेरा जो फेस था जब मैं क्लास 9 और 10 में थी तब तो वो फेस आप लोग देखे होते मुझे पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा पूरा फेस एकदम पिंपल से भरे हुए थे, अभी भी स्कार्स है, देखो देख रही हो, बट वो फेस तो मेरा पूरा का पूरा चेंज कर दिया है इस प्रोडक्ट ने। तो आप लोग जरूर ट्राई कर सकते हो, और पिंपल्स के लिए और भी कुछ प्रोडक्ट मिलता है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो चलो ये वीडियो इतना ही था, बाय बाय।